स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों का मिशन का टॉपिक है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली है और वीडियो आई भी नहीं है बहुत दिनों से टॉपिक से। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, कब आएगी वीडियो रिलेटेड। जो भी जिन लोगों को भी अच्छा लगता है टॉपिक, जिन लोगों को अच्छे से समझ में आता है, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है मेरी वीडियो। आप लोग एक बार देख के ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो मोटिव है हम लोगों का, पहले जो टॉपिक है उसका नाम है मिश्रण, इसे कहते हैं एलिगेशन या मिक्सचर। ओके, इसको लेके हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो अब क्या है कि आपके सामने एक सवाल है और सवाल में क्या है, ये लिखा हुआ है जैसे कि 136 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 141 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 2:3 में मिलाया जाए तो 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। ये आपके सामने एक सवाल है। तो आपको करना कैसे होगा इसको, आप सबसे पहले मिश्रण का एक डायग्राम बना लीजिए। उस डायग्राम के थ्रू हम लोगों को करना है। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले हल्का हल्का डायग्राम समझिए और डायग्राम, अच्छा एक चीज़ है जो कहने लायक है मेरे लिए, वो कहने लायक बात ये है कि अगर आप जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिकलाइज होकर सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप हिंदी फॉर्म में आ जाएंगे, राइट, देसी भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में, उतना ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो पाएगा इस टॉपिक को समझ पाना। ओके, तो वैसे तो इसकी बहुत सारी थ्योरम है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ एक इस प्रकार के डायग्राम में जिसमें आपको फटाफट समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कीमत या जिसे कहते हैं मूल्य, राइट, कीमत या मूल्य, इसे ही हम लोग प्राइस भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ वाली जो लाइन होगी उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कीमत, और यहाँ वाली जो होगी लाइन उसमें हम लोग लिखेंगे मात्रा। फिर यहाँ जो हम लोग लिखने वाले हैं वो लिखेंगे मिश्रण, और यहाँ और यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपकी मात्रा, ये मात्रा और ये मात्रा। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे भी मात्रा लिखी हुई है, यहाँ पे भी मात्रा लिखी हुई है, तो फिर हम अंतर कैसे समझेंगे। हाँ ओके, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम एक हिंट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन, ठीक। तो जब भी हमको क्वेश्चन मात्रा देगा तो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और जब भी हमारे द्वारा मात्रा निकाली जाएगी तो वो लिखेंगे यहाँ, तो अकॉर्डिंग बाई अस, ठीक है। अब आपको पता है कि मात्रा हमेशा किस में रहती है, अनुपात, मात्रा हमेशा किस में रहती है, अनुपात। तो हमने ये अनुपात में लिखा, यहाँ पे आपकी हम कह सकते हैं पहली मात्रा और यहाँ पे, ठीक है। तो अभी केवल हम चर्चा कर रहे हैं केवल और केवल दो वस्तुओं का, राइट, दो वस्तुएं लेना है, उन दो वस्तुओं के थ्रू हमें क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे पहली कीमत, यहाँ पे दूसरी कीमत, यहाँ पे मिश्रण। अब आप जानते होंगे कि जो मिश्रण होता है वो मिश्रण का नाम ही है मिश्रण, इसका मतलब है मिक्स, राइट। तो दो वस्तुएं हैं तो दो मिक्स, तीन है तो तीन मिक्स, दस है तो दस मिक्स। ओके, तो यहाँ पे मिश्रण। अब अगर आप एक बनिए की तरह, एक व्यापारी की तरह अगर आप सोचेंगे, तो आप सोचो कि आप वस्तु, ऐसी कौन सी वस्तुओं को मिलाना चाहोगे। क्या आप 20 रुपये वाले चावल में 20 रुपये वाले चावल मिलाओगे तो क्या वो मिश्रण कहलाए, नहीं, बिकॉज क्योंकि दोनों समान है, राइट। क्या आप 100 रुपये वाली चाय में 100 रुपये वाली चाय मिला के कहोगे कि मिश्रण हो गया, मिश्रण नहीं, इट कांट बी पॉसिबल। तो क्या होगा, आप 100 रुपये वाली चाय में 500 वाली चाय मिला सकते हो, आप 100 रुपये वाली चाय में 20 रुपये वाली चाय मिला सकते हो, तब जाके वो कहलाएगा मिश्रण। आप 10 रुपये वाले चावल में आप 100 रुपये वाले चावल मिला सकते हो तो कहलाएगा मिश्रण। आप 200 रुपये वाले दाल में 100 रुपये वाली दाल मिला सकते हो तो मिश्रण। आप 40 रुपये वाले दूध में 20 रुपये वाला दूध मिला सकते हो तो मिश्रण। लेकिन आपने ध्यान दिया कि मैंने क्या कहा, मैंने जितनी भी वैल्यू बोली है उनमें एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू छोटी है, राइट। कोई भी एक वैल्यू बड़ी होगी और एक छोटी होगी, और यहाँ पे जो मिश्रण होगा इसको हम लोग कह सकते हैं बीच का,
यहाँ पे कौन सा मान होता है, मिश्रण जो होता है वो कौन सी वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है। जहाँ पे आपको ये पता रहता है कि ये जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, बीच की, यानी किसी एक से कम और किसी एक से ज़्यादा ही, इसे ही कहते हैं मिश्रण। ठीक, मात्रा यहाँ पे किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, मात्रा यहाँ पे किसके अनुसार, हमारे अनुसार, मिश्रण यहाँ पर, कीमत यहाँ पे, पहली कीमत यहाँ पे, दूसरी कीमत यहाँ पे, ओके क्लियर है। ठीक है, अब एक जो सवाल अभी हमने क्लास में स्टार्टिंग होने से पहले जो बोला था उसी की वैल्यू को हम पुटअप कर रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, राइट, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा कि वो क्वेश्चन क्या है फिलहाल में। तो उसमें क्या बताया गया है, 131 रुपये वाली तो कीमत कितनी हो गई, 131, और 141 रुपये वाली चाय, ये दो प्रकार की चाय है। और कह रहा है कि इसको वो जो मिला रहा है, वो मिला रहा है 2:3, तो किस अनुपात में मिला रहा है, 2:3, तो मात्रा दे रहा है किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे 2:3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो निकालते हैं वो अकॉर्डिंग बाई अस होते हैं। अब उसने तो आपको दे दी, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रण की वैल्यू, वो कह रहा है कि बताइए मिश्रण की वैल्यू क्या होगी। इसके कई सारे तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास आपके लिए मिश्रण टॉपिक में कम से कम 70-80 सवाल है, और उन 70-80 सवालों में अलग अलग विधि लगा के, अगर आप अलग अलग विधि लगा रहे हो, कुछ क्वेश्चन में सेम भी हो जाती है, तो भी आप कम से कम मैं ऑन एन एवरेज बोलूँगा 40 विधि तो आपके पास हो जाएगी। क्या एक टॉपिक के 40 मेथड याद रखना पॉसिबल है, लाइक थिंक ओनली, केवल आप सोचो क्या 40 विधियाँ एक टॉपिक की होना सही है, जबकि हमारे पास 30-35 टॉपिक है, राइट, नहीं है ना पॉसिबल। और जब हमारे पास पॉसिबल नहीं है 30-35 टॉपिकों के लिए, प्रत्येक टॉपिक के लिए 20-30 विधि याद करना, तो हम कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, यह है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखा जाए, राइट, और कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक विधि, चाहे वो हार्ड हो कठिन हो, पर उसको चूज कर लो, ताकि उस एक विधि से पूरा टॉपिक निपटाया जा सके। अगर एक से पॉसिबल ना हो तो कम से कम 3 या 4 विधि से तो 70-80 सवाल लग ही जाए, राइट, क्योंकि 70-80 सवालों के लिए 40 और 20 विधियां याद करने से अच्छा है 2 या 3, ओके। तो इस वाले में हम लोग फोकस करें। अब मिश्रण याद करना है तो हमें पता है मिश्रण क्या होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हमको फाइंड आउट करना है। अब हमने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, बीच का मान, तो ये जो x है वो कैसा है, बीच की वैल्यू है, और बीच की वैल्यू अगर है तो कम भी होगी और ज़्यादा, तो यहाँ से आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये 131 से कम है या 131 से ज़्यादा। तो आप कहोगे कि x है, हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो बताया गया है कि इसको किसी एक से कम होना पड़ेगा, किसी एक से ज़्यादा, तो ये 131 से ज़्यादा होगी और 141 से कम, क्योंकि हमारे पास केवल दो ही वस्तुएं हैं जिनमें से हमें एक को बड़ा मानना और एक को छोटा, तो आपको पता है 31 छोटा होगा, 41 बड़ा। तो हमने क्या कहा कि ये जो x है वो 141 से छोटा है, तो 141 माइनस x, और ये जो x है वो 131 से बड़ा है, तो x माइनस 141, हो गया, क्लियर है, बस 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 और बस। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब आपका आंसर तुरंत आ गया। अब आप कहोगे कि मात्रा हमारे अनुसार, मात्रा क्वेश्चन के अनुसार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मात्रा बराबर, इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ये जो है 141 माइनस एक्स अनुपात एक्स माइनस 131 है, और ये 2:3, क्लियर। अब क्या कहेंगे, 141 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 100 बराबर में 2:3, ठीक है। अब क्या होगा,
अब कुछ भी नहीं करना है, अब इनका केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली, केवल गुणा करना है और आपका आंसर आपके हाथ में, राइट। तो तीन का इसमें गुणा करेंगे तो तीन एकम तीन, चार तीन बारह, और तीन एकम तीन और एक और तीन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, दो एक्स माइनस दो एकम दो और तीन दूनी छः और दो एकम 262, क्लियर। तो ये हो गया आपका 262, इज इट ओके, राइट। अब इसके बाद क्या है, एक्स एक्स की वैल्यू उधर और संख्या संख्या उधर, तो हम क्या करेंगे, 3x इधर रहेगा, 2x आ जाएगा और ये 262 इधर ही रहेंगे और 423 इधर आ जाएगा, क्लियर है। हाँ, अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपको ये देखना है कि आप इसको कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 5x और ये आपका हो गया 586, माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना आ गया, 5 से इसको 5 एकम 5, 5 की 15 और 5 सत्ते 35, राइट। तो आपका आ गया, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो सही, बिल्कुल कुछ भी करेक्शन नहीं है। आपने क्या देखा, 2x 5x हो गए 6 दो 8, राइट। तो आपका आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, 137, ओके। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो मिश्रण मूल्य हुआ वो क्या हो गया, 137, इज इट क्लियर। बस इसी वाली प्रोसेस को आपको बार बार लगातार आपको देखना है, और इस एक सवाल के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ, और आपसे आशा रखता हूँ कि अब जब मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू आगे और वीडियो डालूंगा इस टॉपिक पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। पर मेहनत इतनी सी है कि आपको इसी वीडियो को 2 से 3 बार आपको लगातार देखना है, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे आपको एक मैसेज कर देना है कमेंट बॉक्स में जाके, ओके, ठीक है। तो फिर से एक बार फिर से शुरुआत सिद्धि विनायक क्लासेस के साथ आपकी और मेरे साथ, ओके।